आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे कैनवा में स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ स्टोरी पे हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पे ढेर सारे हमको टेम्पलेट्स मिलेंगे, तो हम किसी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे अपनी स्टोरी के लिए। यहाँ टेम्पलेट में आप करिए, हमने ये टेम्पलेट यूज कर सेलेक्ट कर रखा है, एड अ लिटिल बिट ऑफ करके ब्लैक एंड टील ज्योमेट्रिक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन अपने जो हम अपने चैनल पे देते हैं उसके बारे में सोल्यूशन के लिए हम बताएंगे कि हम कौन कौन से सोल्यूशन अपने चैनल पे देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में प्रॉब्लम में हम लिखेंगे कंप्यूटर ट्यूटोरियल। कंप्यूटर ट्यूटोरियल में हम क्या क्या देते हैं ये हम बता रहे हैं। यहाँ पे हम देते हैं पाइथन, पाइथन सी, जावा स्क्रिप्ट, सी एस एस, एस टी एम एल, फ्लैश और मैनी मोर। हमने बहुत सी चीजों पे दिया हुआ है लेकिन हम कुछ ही मेंशन कर रहे हैं, आगे भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे कि कैसे वेबसाइट बनाओ, कैसे पीएचपी यूज करो, कैसे और भी एडवांस लैंग्वेजेस पे हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। आगे हम अगर आप कमेंट करिएगा तो हम इसको और भी आपको बना के ट्यूटोरियल डाल देंगे। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अब सेकेंड सोल्यूशन जो हम लोग देते हैं तो वहाँ पर हम ऐप्स के बारे में बताते हैं और उसकी सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं। तो सेकेंड सोल्यूशन में हम देंगे एप्स इट्स सिक्योरिटी। तो एप्स में हमारे फेसबुक इंस्टा ट्विटर और बहुत से ऐसे ऐप्स के बारे में जो हमारे वीडियो को बनाने में हेल्प करते हैं, वो हम उसके बारे में बताते हैं कि वीडियो बनाने में हम कौन कौन से ऐप्स यूज करते हैं और कहाँ किस किस सोशल मीडिया पर हम उन ऐप्स की फैसिलिटी से अपनी वीडियो को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड सोल्यूशन है हमारा यूट्यूब रूल्स एंड टिप्स, जिसमें हम आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक इत्यादि के बारे में बताते हैं जिससे कि आप सेफ रहिए और कंप्यूटर पर प्रॉपरली काम कर पाइए। ऐप्स में हम बहुत से ऐसे ऐप्स के बारे में बताते हैं ये जो आपको वीडियो बनाने में हेल्प करेंगे, जो साउंड वीडियो ऑडियो एडिटिंग इससे रिलेटेड होते हैं। जैसे इस समय हम कैनवा पे आपको बता रहे हैं कि कैसे स्टोरी बनाओ। तो यूट्यूब रूल्स में कम्युनिटी हम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स और उसके समय समय पर अपडेट के बारे में और उसके
नए नए रूल्स के बारे में बताते रहते हैं, जिससे कि आप अपने रूल्स के अवेयर से अवेयर रहें और अपने वीडियो को प्रॉपर बनाएं और अपने यूट्यूब को ग्रो कर पाएं। तो उससे रिलेटेड भी जितनी सेटिंग है यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें हम इसमें बताते रहते हैं। और इसकी ज़रूरत हमें खुद भी पड़ती है, क्योंकि हम यूट्यूब पे नए हैं, तो हमें ये नहीं मालूम है कि यूट्यूब पे क्या क्या रूल्स हैं, और शॉर्ट्स के अलग रूल हैं और लॉन्ग के अलग रूल हैं। फिर आपको उसमें लोगों से कोलैबोरेट करना पड़ता है, मर्च करना पड़ता है, अमेज़ॉन पे एफिलिएट मार्केटिंग करना पड़ता है, एड्स लगाना पड़ता है, और न्यू कमर को कुछ रूल्स पता नहीं होते हैं, तो शुरू में वो किसी और के टॉपिक का टेक्स्ट लेकर काम करते हैं, तो जिसमें आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट राइट स्ट्राइक में फ़र्क होता है। कॉपीराइट क्लेम जो होता है, वो आप किसी की चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन स्ट्राइक तब होता है जब वो अगला आदमी आपकी वीडियो को टेक डाउन कराता है, मतलब आपको कहता है कि ये वीडियो हटाइए, इसमें मेरा प्रोडक्ट यूज़ है। या कुछ यूट्यूब के रूल्स होते हैं कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यूट्यूब खुद स्ट्राइक दे देता है और उससे आपका चैनल प्रॉब्लम में आ जाता है। और फिर कोई गाइड नहीं करता है कि आपको कोई गाइड कर दे, तो इसलिए आप अगर इसको देखते रहिएगा मेरे चैनल को, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको किसी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। मेरा चैनल का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं, मेरा चैनल का नाम है यहाँ पे हम चैनल का नाम दे देते हैं, जैसे तो आपको पता होगा रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। तो आप इस चैनल पे जब जाइएगा तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इतना ही नहीं है, बहुत से जनरल टॉपिक्स पे भी वहाँ पर क्विजेस भी है, पोल्स भी है, और उस पे एनिमेशन भी है। सी में हमने काफ़ी एनिमेशन बना रखा है, पाइथन में बना रखा है, जावा स्क्रिप्ट में बना रखा है, और आपको कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, वहाँ से आप सीखिए। डिफरेंट प्रोजेक्ट डाल रखे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, और वो प्रोजेक्ट यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो इस तरह से कैनवा में आप फोटो डाल के इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। यहाँ से अब आप एनिमेशन दीजिएगा तो देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ से, ये देखिए आप यहाँ पे हर हर पॉइंट को एनिमेट कर सकते हैं, स्क्रैप बुक में आ जाएगा इसको। यहाँ से ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट ये दिए हुए हैं, इसको यूज़ करके आप इसको काम कर सकते हैं। ये देखिए धीरे से जा रहा है। अब ये वाला राउंड है, इसको हमें पॉप करना है, तो ये पॉप हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी को अच्छा बना करके इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने चैनल का लिंक भी डाल सकते हैं। जब आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट एनिमेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ट्यूटोरियल जो हमने डाला है, इसको टेक्स्ट एनिमेशन करना है, तो ये देखिए टेक्स्ट एनिमेशन भी हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करा, इसमें भी आप टेक्स्ट इफेक्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एनिमेशन आया। आप यहाँ पे इस एनिमेशन में जो डाल दीजिएगा वो होता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये है ना, ये आ गया, ये देखिए। तो आप अपने इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। करेक्टर वाइज करना है तो उसके लिए आपको शायद प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो आप अगर प्रो वर्जन ले लेते हैं, तो आप इन्हीं सब चीज़ों को और भी अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिंक भी लगा सकते हैं अपने चैनल का और स्टोरी में काम कर सकते हैं, पेज एनिमेशन भी कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट एनिमेशन के अलावा पेज एनिमेशन है, अगर आप इसको करिएगा तो ये देखिए पूरा पेज ही मूव करेगा, इसमें पूरा पेज या तो ऊपर करेगा या तो नीचे करेगा। यहाँ पर ये देखिए
स्लीप करेगा, है ना। ये आगे अच्छा कि इसने देखिए ये पूरे को एनिमेट कर रहा है। अब ये जब ये हो गया तो इफेक्ट में जाके देखिए ये आया, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए चैनल का लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चैनल का लिंक पेस्ट करते हैं, अभी नहीं है तो चैनल से जाकर ले आएंगे, यहाँ पर जाएंगे, चैनल से जाकर लिंक ले आएंगे, यहाँ पर चैनल में जाएंगे, और यह हमारी इसमें पहले से चैनल का लिंक बना हुआ है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ला करके कैनवा में डाल देंगे। कैनवा में डालने के लिए यहाँ पर ये देखिए चैनल लिंक मांग रहा है, दी कर दिया। आपका पेज इन दिस डॉक्यूमेंट रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, अब ये पढ़ गया, इसको डन कर दीजिए, है ना। अब डन करा, अब इसको प्ले करेंगे। अब इसमें म्यूजिक पहले से सेट थी इसलिए यही म्यूजिक आ गई। आप इस म्यूजिक को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ठीक ही लग रही है, तो इसको अब हम शेयर करना चाहते हैं। जब हम शेयर करेंगे तो देखिए ये पूछ रहा है कॉपी लिंक, या तो कॉपी लिंक है, शेयर लिंक टू वॉच, जिस लिंक को शेयर करना आप उसको देख सकते हैं कि प्रॉपर आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए कैनवा की लिंक आ रही है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके जहाँ पेस्ट करिएगा वहाँ चलाइए। फेसबुक से लिंक कर लीजिए, व्यू ओनली लिंक करिएगा तो ये देखिए आ गया, यहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद जाकर वहाँ पर पेस्ट करके शेयर करिए, तो इसको आप डाउनलोड करिए। जब आप डाउनलोड जब आप करते हैं तो वो ऑप्शन पूछ जाएगा, तो ये MP4 वीडियो बना हुआ है हमारा, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। जब स्टोरी 2 हम लोग डाउनलोड कर लेंगे तब वो हमारा कैनवा नाम के फोल्डर में क्योंकि डाउनलोड हुआ है तो वहाँ आ जाएगा, तो हम वहाँ से फिर फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी भेज सकते हैं। ये खुद भी ऑप्शन देता है जब आप शेयर करते हैं, तो ये देखिए फेसबुक पेज पर दिया शेयर ऑन सोशल मीडिया, जब आप करिएगा तो देखिए आपको इतने ऑप्शन मिल जाएंगे, फेसबुक पेज, ग्रुप, इंस्टाग्राम बिजनेस, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर्सनल, टिकटॉक, फेसबुक स्टोरी। तो डायरेक्ट जब यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो ये फेसबुक स्टोरी पे चला जाएगा, लेकिन अभी हमको पोस्ट नहीं करना है क्योंकि इसके लिए आपको फेसबुक को लिंक करना पड़ेगा। जब लिंक कर लीजिएगा तब आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर जाएगी। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर एंड फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इसमें वीडियो एडिटिंग सीखेंगे कैनवा के अंदर, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमको बताइएगा, जिससे हम उस पर कैनवा में वीडियो बना दें। थैंक यू व्यूअर्स।